मरहूम खुदा के बंदे जाफरिया आपके मरहूमीन हम सब मरहूमीन जो इस दारे फानी में नहीं है शहदाए करबला सीराने करबला को हदिया करें नजरे सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन अर्रहमानिर्रहीम मलिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीन अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलाद्दालीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम نقما أهلادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت اللهم صل على محمد قران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم صلوات ایک اور بلند صلوات حاجات کی برابری دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد سورہ مبارکہ آل عمران ہے آیت کا نشان سات ہے ساتویں آیت میں کچھ آیات محکمات ہیں ہن ام الکتاب اور وہی اصل کتاب ہیں اخر و متشابہات اور دوسری طرح کی آیات جن کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے جن کے دلوں پر زنگ ہے جن کے دل ٹیڑے ہیں جن کے دل بیمار ہیں زیغ کا مطلب ہے کہ جن کے دل کام نہیں کر رہے ہیں صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ جن کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ وہ محکمات کو چھوڑ کر محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ آیات پر عمل کرتے ہیں جن کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے دو طرح کے پانی اور کھانے رکھے ہوئے ہوں ایک شفاف ہو ایک میں کچھ الجھن ہو تو عقل اور سالم ذہن انسان شفاف پانی سے کوئی شبہ ہے جس میں کوئی الجھن ہے تو پھر کیا کہتا اللہ اگر یہ نہ کہتا تو سلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ جن کے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ وہ آیاتِ متشابہات کی اتباع کرتے ہیں وہ اتباع کرتے ہیں آیاتِ متشابہات کی محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کی اتباع کرتے ہیں کیوں؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کوئی کرتا ہے ایسا؟ امیر بیدار ہو جو صحیح و سالم انسان ہو کیا ایسا کرتا ہے کوئی ایسا؟ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ پھر کیوں کرتے ہیں ایسا یہ؟ تو قرآن نے بیان کیا ابتغاء الفتنہ ان کا مطلب قرآن پڑھنا نہیں ہوتا ان کا مطلب قرآن سے استفادہ نہیں ہوتا ان کا مطلب قرآن ذات پر
ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है कि दीन को कोई इस्तेमाल करे फितना फैलाने के लिए, यानी मैंने तो लफ्ज बदल दिया ना, कोई दीन को फितना फैलाने का जरिया बना दे, कोई कुरान को फितने के का जरिया बना दे, ऐसा भी हो सकता है। इब्तगाल फितना, उनका मतलब आयाते मुहकमात को छोड़कर आयाते मुतशाबेहात की तरफ रुजू करना, उनसे इस्तफादे करने का, उनका मतलब क्या होता है? फितना फैलाना, एक तो ये मतलब होता है। अच्छा, दो बातें अल्लाह ने रखी हैं, एक फितना उनका मतलब होता है और एक इब्तगा तावील, अपने पसंद का दीन पेश करना चाहते हैं। हाँ हाँ, अपना दीन। अच्छा, होगा वो नबवी, होगा वो मोहम्मदी, होगा वो इस्लामी, मगर खुद अल्लाह कह रहा है कि ये अपने पसंद का दीन पेश करना चाहते हैं, अपने मतलब का दीन पेश करना चाहते हैं। इब्तगाल फितना व इब्तगा तावील। अब यहां अल्लाह ने ये कहकर के ये जो अपना अपना मतलब निकालना कि ये मतलब नहीं है, वो मतलब नहीं है, तो कैसे हम तय करेंगे कि कौन सा मतलब है? तावील हो, जब किसी आयत के दो मतलब निकल रहे हो, यानी जब आयत के दो मतलब निकल रहे हो, तो वो एक मुहकम मतलब को, मजबूत मतलब को छोड़कर एक कमजोरिश कर रहा है। अब मेरे पास तो इतना इल्म नहीं है कि जो मैं ये तय कर सकूं कि ये वाला मुहकम मतलब है या ये वाला मुहकम, सलवात नबी की जात पर। तो क्या क्या पैमाना है, क्या कसौटी है? तो अल्लाह ने ऐलान किया, वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह। वो जो दो मतलब निकल रहे थे कि ये नहीं वो मतलब, इसको अल्लाह बेहतर जानता है। वह रासिखूना फिल इल्म, अगर आयत यही रुक गई होती ना कि अल्लाह बेहतर, एक घराना ऐसा भी है जो इल्म में उतरा हुआ घराना, एक खानदान ऐसा है, एक कबीला ऐसा है जो रासिखूना फिल इल्म, जो इल्म में उतरे हुए लोग हैं, या लफ्जों को अगर मैं यूं कह दूं कि जिनकी जिंदगी इल्म है। जी जी जी, असमको फिल्मा, मछली पानी में। अब ये पानी में तो और बहुत से जाते हैं, मगर मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती। कुछ मखलूक ऐसी हैं जो पानी के बगैर नहीं रह सकते, उनमें मछली है, ऐसा ही है, उसे बाहर निकालेंगे तो मौत है, अंदर डालेंगे तो जिंदगी है। रासिखूना फिल इल्म, कुछ ऐसे लोग हैं जो इल्म के बगैर नहीं रह सकते, उनकी जिंदगी इल्म है, वो इल्म है, यानी उनकी जिंदगी में उनका मुस्कुराना भी इल्म है, उनका बोलना भी इल्म है, उनका खामोश रहना भी इल्म है, करीब बुलाना भी इल्म है, घर से निकालना भी इल्म है। यानी उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा इल्म है। अब तलाश कर लीजिए कि कौन है कि जिनकी जिंदगी इल्म और इल्म उनकी जिंदगी, यानी वो इल्म और इल्म वो। आप तलाश कर लीजिए, मैं भी तालिब इल्म हूं, या हमें कोई आकर बता दे कि वो पंजतन के अलावा कोई और है, वो अहले बैत के अलावा कोई और है, या फिर हमसे दलील मांगो कि वो अहले बैत है। जिनका मैं यही पहले एक जुमला कह दूं, शजाअत हो और इल्म ना हो, गैरत हो और इल्म ना हो, सखावत हो और इल्म ना हो, हुस्न हो और इल्म ना हो, शोहरत हो और इल्म ना हो, कुर्सी हो और इल्म ना हो, तो ये वबाले जान है। का इस्तेमाल इल्म के बगैर शजाअत नहीं, दहशतगर्दी है। अब इस बच्चे ने मोहम्मद भाई बुलंद सलवात पढ़ी है। अल्लाह अल्लाह।
पैसे का इस्तेमाल बगैर इल्म के अगर होगा तो वो सखावत नहीं है, इसराफ है, फजूल खर्ची है। हुस्न बबाले जान बन जाएगा, आजाद का जरिया बन जाएगा अगर वो बगैर इल्म के होगा। शोहरत का भी यही आलम है, इंसान अपने ही दुश्मन हो जाता है शोहरत में अगर बगैर इल्म के हो। इल्म के बगैर अगर शोहरत हो तो ये अपना ही दुश्मन हो जाता है, अपने आप को ही काटने लगता है, अपनी ही बोटियां बोटी बोटी अपने आप को कर रहा होता है जो बगैर इल्म के बगैर शोहरत रखता हो। तो शोहरत हमारा मौजू इस अशरे का जो हमने तय किया था, आपने अगर इश्तहार देख लिया हो सोशल मीडिया पर, तो हमने तय किया था कुरान और अहले बैत। तो कुरान और अहले बैत किसी घराने के साथ हमें जोड़ना चाहता है। कुरान कुछ अफराद हैं, कुछ शख्सियात हैं जिनके साथ हमें जोड़ना चाहता है। अब वो कौन लोग हैं कि जिनके साथ कुरान हमें जोड़ना चाहता है? बस उन लोगों की मारिफत को मारिफत अहले बैत कहा जाए, और वो कुरान के साथ यानी दो ऐसे अज्जा जिनमें से एक को भी कम करेंगे तो दूसरा जुज काम करना छोड़ देगा। अगर दो अज्जा पर मुश्तमिल एक वजूद हो तो एक जुज दूसरे जुज का मोहताज होता है, अगर एक जुज को हटा देंगे दूसरा जुज भी काम करना छोड़ देगा। बजाहिर वो हमें रखा हुआ नजर आएगा, बजाहिर हमें रखा हुआ नजर आएगा, मगर वो काम नहीं कर सकेगा इसलिए कि उसका दूसरा जुज नहीं है। तो ये जुज ला यनफक जिसे कहा जाता है, यानी ऐसा जुज जो जुदा नहीं हो सकता, उससे अलहदा नहीं हो सकता। भाई ये मैं कब कह रहा हूं, और अगर मैं ही ये कहता रहूं तो इतनी बात मेरी वजनी नहीं होगी, मैं नबी मुकर्रम का कौल क्यों ना सुना दूं। सरकार इरशाद फरमाते इन्नी तारिकुन फीकुम सलैन, मैं दो गिरा कद्र चीजें छोड़े जा रहा हूं। सरकार फरमा रहे लई यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैल हौज, ये एक दूसरे से अलहदा नहीं होंगे। अच्छा कौन कह रहा है ये? शहनशाह हुसैन नकवी नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? सरकार दो जहां, वो नबी, वो हस्ती, वो वजूद कह रहे हैं कि जिनका एक एक लफ्ज वही के मुताबिक ये एक दूसरे से अलहदा नहीं होंगे। कौन कह रहा है ये जुमला कद्र की जगह जुमले को मैं बैठ है, और ये एक दूसरे से अलहदा नहीं होंगे। लई अफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैल हौज, ये एक दूसरे से अलहदा नहीं होंगे यहां तक कि हौज कौसर पे मुझसे आ मिलेंगे। फिर फरमाते इन तमस्सक तुम बेहिमा, अगर तुम इन दोनों से मुतमस्सिक हो गए, लन तज़िल्लु, से अपने आप को जोड़ लो, गुमराह नहीं होगे। कुरान है या नहीं, अहले बैत है या नहीं? अच्छा जितना बेशक में दम आपके कुरान में है इतना ही अहले बैत में? बस अगर इस ईमान के दर्जे पर कोई मुसलमान है तो उसे शाबाश देने की जरूरत है। यकीन रखना, आंखों से देखना और दिल से महसूस करना, मैं लफ्जों को बेहतर करता हूं। ये जो कुरान ने सिराते मुस्तकीम कहा है ना, अहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर कायम रख, तो वो कौन सा रास्ता है जिसपे कायम रहने की बात है? कहां है वो? मशरिक से मगरिब है, शुमाल से जुनूब है, वो कराची से इस्लामाबाद जाता है या मक्के से मदीना आता है? कौन सा रास्ता है जिसके ऊपर कायम रखने का अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है? कायम रहने की हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। जिस रास्ते पे चलने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है वो रास्ता कहां है? वो कहां है? वो बैरूनी रास्ता नहीं है, वो दरूनी रास्ता है। जरा इस शहर में रोजाना हो रही है जी, ये जो सैकड़ों की तादाद में लोग इस वक्त मजालिस सुन रहे हैं, एक सलवात जरा पढ़िए। एक और बुलंद सलवात पढ़िए। थोड़ा सा अपने मन को सुथरा कर ले, थोड़ा सा अपने कोशिश कर रहा हूं कि हम सब अंदर से इस बात के, क्या हम सब अंदर से इस कैफियत के हामिल नहीं है? एक सलवात और नबी की जात पे है। और भी बुलंद सलवात, इससे भी बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद।
सब अंदरूनी तौर पर अपने आप को जरा तन्हाई में जाकर आईने में के सामने खड़े होकर जरा मुराकबे की और मुहासिबे की कैफियत में जाकर अपने आप से पूछें कि क्या हम सब एक बात को पसंद नहीं करते? सब कोई चीज आप पसंद करते हैं तो आप नहीं करते, आप करते हैं तो आप नहीं, लेकिन एक बात सब पसंद करते हैं, और वो एक बात जो हम सब पसंद करते हैं वो है मेरिट, वो है काबिलियत, वो है अहलियत। हम सब पसंद करते हैं, फितरी तौर पर हम सब कमालात को पसंद करते हैं, फितरी तौर पर हम सब कमालात तलब करते हैं। इल्म कमाल है या नहीं? ऐसे ही है, जितने भी कमालात हैं हम सब पसंद करते हैं ना। अब किसी के नजदीक पहले नंबर पे वो है तो दूसरे नंबर पे वो है, ऐसा ही है, किसी के नजदीक पहले नंबर पे वो चीज है तो दूसरे नंबर पे वो चीज है। वो एक जगह नजर आए तो उन्हें अहले बैत कहा जाता है। एक और सलवात, तुम बैठे रहो, बैठे रहो, ठीक है। तुमने शायद बाहर स्क्रीनों की मजबूरी है कि तुम बिल्कुल मेरे मुंह पे आके कैमरा लगाया है, तुमने शायद स्क्रीन की मजबूरी थी, अच्छा, मगर अब फिर बैठे रहो, खड़े नहीं हो बार बार। मैं एहसासाती और नफ्सियात से भरपूर खतीब हूँ तो मैं असर लेता हूँ अपने ऊपर इन चीज़ों का, तो मुझे आप अच्छी तरह पढ़ने दीजिए, जिस मैं मुतासिर हो रहा हूँ आपके पास कामों से। एक सलवात और सब मिलकर दिए, अल्लाह आगे बढ़े। तो कुरान मजीद ने जिस सिफत को सबसे ज्यादा गालिब और हाकिम सिफत अहले बैत की करार दी है ना, वो है इल्म। बोग्ज़ कीना जहालत की बुनियाद पर तो नजरअंदाज किया जा सकता है, मगर जहां जहां ये बीमारियां शिफा पाने लगती हैं रुजू अहले इल्म की तरफ होता है। ये कुछ बीमारियां हैं, हमें नहीं लीजिएगा आप, इसलिए कि मासूम ने इरशाद फरमाया नहनुल उलमा व शियतुना मुतअल्लिमून, आलिम हम अहले बैत हैं, हमारे सारे शिया शागिर्द हैं, तो हम आलिम नहीं है, हम तालिब इल्म हैं आपकी तरफ। उलूम की अगर क्लास लगी हुई होती तो कुछ दोस्त बैठे हुए मैं उनकी क्लास में जाके बैठता, मसलन सियासत की क्लास लगी होती तो शायद मैं किसी की क्लास में जाके बैठता, तो लेकिन आज इस वक्त तफसीर कुरान की क्लास लगी हुई है इसलिए आप यहां बैठे हुए हैं। सलवात पढ़ लेना मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो हम सब उनकी तलाश में हैं जिन्हें अल्लाह ने आलिम करार दिया है, तवज्जो कर ली। देखिए आज तीसरी मजलिस है और मैं अपने मजमून को एक मंजिल में दाखिल करना चाहता हूं, और वो मंजिल यह है कि कुरान के बारे में हमारा अकीदा क्या है। जब मैं कह रहा हूं ना हमारा, तो मेरी मुराद सुन्नी भी है और मेरी मुराद शिया भी है। मुझे जो अपने मेहमान तशरीफ फरमा है उनका, उनके अकीदों का भी आगाही है, आशनाई है, उनके दानिश्वरों ने भी जो कुरान के बारे में अकीदा बयान किया है उससे भी आगाह हूं, और अपने अपने इमामिया और जाफरिया और इसना अशरिया उलमा ने जो कुरान के बारे में अकीदा बयान किया है उसके बारे में तो मैं उसका तालिब इल्म वैसे ही हूं। कुरान के बारे में हमारा सुन्नी शियों का तीन अकीदे हैं, जुजियात में इख्तलाफ है हमारे यहाँ, जब हम नीचे आएंगे जेल में जाएंगे हाशिए में जाएंगे तो हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं, मगर असली बातें ये तीनों बातें जो मैं अर्जी अर्ज करने जा रहा हूँ, अल्लाह करे मेरा मजमा मेरा साथ दे, इन तीनों अकीदों में हम दोनों मुश्तरक हैं। सबसे पहला अकीदा हमारा कुरान के बारे में यह है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, यह नबी मुकर्रम ने नहीं लिखा, यह किसी और ने अल्लाह के अलावा नहीं बोला, यह अल्लाह ने कहा है, यह अल्फाज अल्लाह के हैं, ये कलिमात अल्लाह के हैं जी, ये जुमले पूरे पूरे जिन्हें हम आयतें कहते हैं, ये पूरे पूरे सूरे जो हमें जिन्हें हम सूरा कहते हैं, ये अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। दूसरा अकीदा, पहले आप तीनों अकीदे मुझसे सुन लीजिए, और मुझे इस बात का भी एहसास है तभी मैं कुछ ये एकेडमिक गुफ्तगू इसलिए भी करता हूं कभी कभी के
की तरह आए। तो जो इन 10 दिनों का जखीरा इल्म है वो शायद साल भर काम आएगा, शायद दसियों जगह पर काम आएगा ये वाली मालूमात। तो सबसे पहला हमारा अकीदा कि कुरान अल्लाह का कलाम है। दूसरा अकीदा हमारा यह है कि यह कुरान नबी के कल्ब मुबारक पर उतरा है। नबी ने ऐलान नबूवत किया, उस पर दलील क्या है? हजरत मूसा ने ऐलान नबूवत किया, उस पर दलील असाए मूसा का दावा किया। हजरत इब्राहिम का जो दावा है उसके लिए हजरत इब्राहिम की के मौजजात, हजरत ईसा मरीजों को जिंदा करते हैं, हजरत दाऊद लोहे को नर्म करते हैं। हर नबी को अल्लाह ने कोई ना कोई मौजजा दिया, हर नबी की नबूवत पर उनका मौजजा दलील नबूवत। हमारे नबी ने नबूवत का दावा किया, उस पर दलील क्या है? थोड़ा सा मैं लफ्जों को और जरा रोशन करता हूं। हर नबी को अल्लाह ने उस जमाने के हिसाब से मौजजा अता किया। हर नबी का मौजजा उनके जमाने की जरूरत के मुताबिक था, ऐसा ही है। हमारे नबी का मौजजा भी उनके जमाने की जरूरत के मुताबिक था, मगर और नबियों की जरूरतें और, हमारे नबी की जरूरत और। तवज्जो चाहूंगा, हर नबी का मौजजा उनके जमाने की जरूरत थी मगर वो फेल था, और फेल जमाने का मोहताज होता है। जैसे ही जमाना आगे बढ़ेगा फेल खत्म हो जाएगा, फिर फेल किसी म्यूजियम में रखा होगा। आप असाए मूसा तुर्की के किसी म्यूजियम में जाके देख लेंगे, मगर आज नील में रास्ता नहीं बनाता वो। आज असाए मूसा से वो मौजज़े जाहिर नहीं होते, इसलिए कि वो जमाना गुजर गया, वो वक्त गुजर गया, फेल खत्म हो गया। हमारे नबी का मौजज़ा भी कुरान मजीद नबी के जमाने के मुताबिक था, मगर नबी के जमाने में जो मौजज़ा मेरे नबी को अल्लाह ने अता किया, नबी के जमाने में शेर व शायरी का राज, रिवाज, हाकिमियत, एक रोब, एक जलाल, एक असर था। वहां नसर में तो बात ही नहीं करते थे, नज्म में बातें करते थे, यानी हर शख्स मिसरे में मिसरे का जवाब देता था, शेर में शेर का जवाब देता था, बातें ही शायरी में होती थी, इतना शेर और शायरी का गलबा था। वहां के बच्चे, उस जमाने के बच्चे शायरी में बात करते थे, अदब का दौर दौरा था, सजे हुए अल्फाज, वजनी अल्फाज, पैगाम रखने वाले अल्फाज जिनके अंदर कई कई माना पोशीदा हो। जी लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, मगर शेर कहना आता है। हाँ ऐसे हालात थे, लिखने वाले तो थे ही नहीं, ढूंढने से नहीं मिलता था कोई लिखने वाला। सरकार दो जहां ने लिखने वाले असीरों को, मुकाफिरों को कहा मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, हमारे वालों को लिखना सिखा दो। तो लिखने वाले तो ढूंढने से भी नहीं मिलते थे, मालूम हुआ कि सैकड़ों किलोमीटर गांवों और देहातों का सफर करते हुए गुजर रहे हैं, कहीं कोई लिखने वाला ही नहीं मिल रहा। तो लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, इबारत कोई लिखी भी हो उन्हीं का शेर लिख के दिखा दो उन्हें पढ़ के। उन पर जब अल्लाह के नबी का असर रहेगा, असर छोड़ेंगे, असर डालेंगे, तो फिर ऐसा ही कोई कलाम होना चाहिए जो फिर वो ये कहे भाई शेर कहने का क्या फायदा, कुरान आ गया है। कमाल तो तब होगा ना। लिहाजा एक बहुत बड़ा शायर है शाह, पूरी दुनिया के ताजिर आकर मक्के में, एक्सपो सेंटर लगता था, तिजारती मंडी लगती थी, ये नुमाइशगाह लगती थी मक्के के अंदर। पूरे दुनिया के ताजिर जमा होकर अपना अपना माल लाते थे और वो रखते थे, और फिर वहीं से ऑर्डर लिए और दिए जाते थे, और फिर पूरी दुनिया का माल यहाँ मशरक का मगरिब जाता था। सिंध के लोगों की जो तारुफ हुआ वो बाजार उकाज में ही तो हुआ। कितने ही लोग जो हिंद और सिंध से अपनी तिजारती सामान लेकर जाते थे और वो बाजार उकाज में, नेशनल इंटरनेशनल मंडी में जाकर अपना सामान रखते थे। वहां उस दौर में उनका इंतखाब होता था कि ये सात बड़े शायर हैं जिन्होंने अच्छा कलाम कहा है। फिर वो सातों के अशार को खाने काबा पे लटका दी। पहले सात कलाम, उनमें एक शायर ऐसा था जो मुद्दतों से, यानी साल हाय साल से, उसका कलाम हर साल सबसे ऊंचा रहता था, बाकी छह बदलते रहते थे,
मगर एक हमेशा वही आता था कि जो पिछले साल भी आया था, 10 साल से 20 साल से वही चला आ रहा है, उसका नाम था शाह। वो बहुत कम निकलता था, हर एक को शागिर्द नहीं बनाता था, एक खास उसका मकाम था। बाद में मुसलमान भी हो गया था। जब सातों कसीदे लटका दिए गए, कुरान नाजिल होना शुरू हो गया था, कुरान उतरना शुरू हो गया था सरकार के कलबे मुबारक पर, तो नबी मुकर्रम ने अपने एक सहाबी मोहतरम से फरमाया कि सूरह कौसर को शोर मच गया कि भाई एक और आठवां कलाम आ गया है, तो सब कहने लगे भाई इसे उतारो। लेकिन जैसे ही उन शायरों को पता चला कि एक कलाम हमारे बराबर में लगाया गया है, तो वो बाहर निकल कर आए और उन्होंने उस कलाम को भी पढ़ा और अपने कलाम को भी पढ़ा। तो बाज लोगों ने तो ये कहा कि इसे मत उतारो, हमारा उतार दो, आज के बाद मैं कलाम कहना बंद करता हूं, इसलिए कि ये 3 जुमले ऐसे हैं जो मेरे सारे कलामों पे गालिब हैं। मैं सालों से कलाम कह रहा हूं मगर ये 3 जुमले ऐसे मैंने कभी नहीं कहे, फसल रब्बे का वनहर इन्ना शानिया का हो अलबतर। आप रिधम देखिए, वजन देखिए, काफिये देखिए, इन्ना शानिया का हो अलबतर इन्ना आतैना कल कौसर फसल ले रब्बे का वन हर इन्ना शानिया का हो अलबतर। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाल। और उसने कहा कि मैं अब ये जिसने कहा है मैं उसका शागिर्द बनना चाहता हूं, मेरे सारे कलाम एक तरफ और ये 3 मिसरे उसकी जबान में, ये 3 मिसरे एक तरफ। तो बताया कि ये मिसरे नहीं है, ये एक अब्दुल्ला के बेटे ने, इस मक्के के रहने वाले खानदानी फर्द ने ऐलान नबूवत किया है, उसका दावा ये है कि ये आसमान से कलाम उतर रहा है। तो उसने कहा, उसने नहीं कहा, उसने कहा है, मैं इसकी तस्दीक करता हूं, इसलिए कि मा हादा कलामुल बशर, दुनिया को कोई बशर ही नहीं है जो ऐसा कलाम कह सके। और फिर जब वो मुसलमान हो गया तो एक बड़ा नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने उन्हें खत लिखा कि हमें जमाने जाहिलियत में आपके अशार, कहे हुए अशार याद आते हैं, आप बड़ा अच्छा अच्छा लिखते थे, तो कोई अगर नया कलाम कहा हो तो हमें भेज दें। तो उन्होंने सूरह अलहम्द लिखकर भेज दी। किसने? शाशा ने सूरह अलहम्द लिखकर भेजी और कहा कि जब से कुरान नाजिल होना शुरू हुआ है हमने कलाम कहना ही छोड़ दिया है। मौजजा, कुरान मौजजा है और मौजजा भी नबी का मौजजा है। मैंने एक जुमला कहा था, आज थोड़ी सी गुफ्तगू इस तरह की है कि आपकी तवज्जोहात मुझे ज्यादा चाहिए। मैंने एक जुमला कहा कि हर जमाने के हिसाब से हर नबी का मौजजा रहा। हमारे नबी का मौजजा जहां जमाने के हिसाब से था वहां फेल नहीं था, जो जमाने का और वक्त का मोहताज हो जाए, बल्कि इल्म है और इल्म जमाने का मोहताज नहीं है। इल्म की उम्र महदूद नहीं होती। आप अपनी ही फील्ड की किताबों को ले लीजिए, किसी को 200 साल पहले लिखा गया था, किसी को 100 साल पहले लिखा गया था, बड़ी मोतबर किताबें मुख्तलिफ शोबों की, मुख्तलिफ महारतों की, बाज सदियों साल पुरानी किताबें हैं, बाज 50 साल पुरानी किताबें हैं, मगर वो कहते हैं जी अभी इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, हमारी एकेडमी, हमारा इदारा, हमारी यूनिवर्सिटी इसके बगैर चल ही नहीं सकती। तो इल्म का कोई जमाना नहीं होता, इल्म किसी जमाने में महदूद नहीं होता, बल्कि बाज औकात तो इल्म इतना तवील सफर और तवील दौरानिये तक रहता है कि जमाने पीछे रह जाते हैं और इल्म इमामत करता नजर आता है। तो इल्म कभी भी, इल्म कुरान इल्म है और ये नबी का मौजजा है। इस पे फिर थोड़ी सी और बात करना चाहूंगा, मगर अभी आप गिनती मुझसे सुन लीजिए। पहला तो उनवान कुरान मजीद के हवाले से यह है कि यह अल्लाह का कलाम है। दूसरा, कुरान मजीद के हवाले से हमारा अकीदा यह है कि यह नबी पर अल्लाह का मौजजा है और नबी का मौजजा इल्म है, इसलिए जमाने का मोहताज नहीं है। तीसरा, इस कुरान के हवाले से हमारा अकीदा, हम सुन्नी शिया का अकीदा यह है कि कुरान हर कमी और बेशी, कमी और ज्यादती, कमी और ज्यादा होने से महफूज है। कुरान का वाओ कम नहीं है, कुरान का कोई मिन ज्यादा नहीं है, कुरान में कोई एक हर्फ भी ज्यादा नहीं कर सकता, कोई कुरान में एक हर्फ भी कोई कम नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह ने ऐलान किया है नहनु नद
بدلنا الذکر وإنا له لحافظون, ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے اور اللہ نے اس کو نازل کیا ہے, خود ہی دعویٰ کیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا. تو قرآن کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ, ہمارا یہ عقیدہ. اب سوال میرا یہ ہے کہ اللہ کا کلام نبی پہ نازل ہوا, محفوظ ہے, کوئی کام بھی اللہ اس دنیا میں بغیر وسائط اور وسائل کے نہیں کرتا. تھوڑی گردن ہلائیے گا بات جاری ہو تو, آپ کو زیادہ سنجیدہ پاؤں گا تو میں لفظوں کو بدلوں گا یہ سوچ کے کہ میری بات گئی نہیں. کوئی کام بھی اللہ اس دنیا میں بغیر وسائل کے, وسائط کے, ذرائع کے بغیر نہیں کرتا. وہ اور بات ہے کہ وہ وسیلہ, وہ ذریعہ میں سمجھوں یا نہ سمجھوں. جو میں سمجھ لیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ تو روشن ہے, جو نہیں سمجھتا میں کہتا ہوں یہ معجزہ ہے. معجزہ انہو, میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں الفاظ کو, علم کلام کی بحث لے بیٹھا ہوں جو اس وقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. معجزہ میرے لیے انہونا ہوتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا ایسا, لیکن وہ خود انہونا نہیں ہوتا, وہ میرے, میں نہیں کر سکتا مگر کوئی اور کر سکتا ہے. پھر وہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا, کوئی اور وہ کر سکتا ہے مگر کوئی اس سے اونچا کوئی اور نہیں کر سکتا, پھر کوئی اور نہیں. ایک وقت آتا ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی رہ جاتی ہیں کہ ان کے علاوہ یہ کام کوئی کر نہیں سکتا. وہ جو آخر میں جا کر اہم ترین ہستیاں بنتی ہیں کہ ان کے علاوہ یہ کوئی کام نہیں کر سکتا. ہر کام ہر بندہ کر سکتا ہے, تھوڑا گردن ہلائیے, ہر کام ہر بندہ نہیں کر سکتا نا. آپ چھوٹے سے کام سے لے کر بڑے کام تک سوچتے چلے جائیے, تلوار کاٹتی ہے مگر زور چاہیے, بازو کے بغیر تلوار تھوڑی کام کرے گی, اور ہر بازو سے بھی ہر تلوار نہیں چلتی, ہر قلم سے بھی ہر کتاب نہیں لکھی جاتی, ہر آدمی کا ہر کام نہیں ہے. کوئی کام کوئی کر سکتا ہے تو کوئی نہیں کر سکتا. پھر ایک ایسا مرحلہ آتا ہے, ایک ایسی شخصیات آتی ہیں کہ جو وہ کام بس وہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ان سے بھی اونچا کوئی وجود ہو سکتا ہے جسے میں اپنے علم کلام کے زمان میں اللہ کہتا ہوں. یعنی سارے دنیا کے مشکل کاموں کو آپ جوڑتے چلے جائیے, اس کے اسٹیج اور اس کے مراحل اور اس کے درجے بناتے چلے جائیے, آخر میں جا کے کہیے جو کام سرکار دو جہاں کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا. پھر سرکار دو جہاں کے اوپر بھی کوئی ہے, کوئی مولا علی کے اوپر بھی کوئی ہے, جو علی اور نبی کے اوپر ہے اسے اللہ کہتے ہیں. یعنی علی جو سارا کام کر سکتے ہو, نبی جو سب کام کر سکتے ہو, ان سے بھی اوپر کوئی ہے. جو علی نہ کرے اور نبی نہ کرے وہ اللہ کرے. نبی اور علی کو کون بنائے گا؟ نبی اور علی کو بنانے کا کام اللہ کرتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ کام اللہ کر سکتا ہے, یہ کام نبی نہیں کر سکتے کہ اپنے آپ کو بنا لے, یہ کام علی نہیں کر سکتے کہ اپنے آپ کو اس کمال کا بنا لے, انہیں کوئی, ان کو کوئی بنائے گا. تو یہ جو تدریجن ہم اوپر جا رہے ہیں نا, تو ایک کے لیے دوسرا معجزہ, دوسرے کے لیے اس سے اوپر والا معجزہ, اس کے لیے اس سے اوپر والا کام معجزہ. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نہیں کر سکتا تو یہ معجزہ ہے, ورنہ یہ انہونا نہیں ہے. ہم کتنا سنتے ہیں دو انگلیوں میں دکھایا کہ کیا ہو رہا ہے, آج سب کے ہاتھ میں موبائل ہے, کیا ہو رہا ہے جی, پوری دنیا آپ نے جوڑی ہوئی, اپنی مٹھی میں لی ہوئی ہے. موبائل کو 30 سال پہلے 40 سال پہلے آپ تصور ہٹا لیجئے, موبائل کوئی چیز تھی تو کہتے تھے صاحب یہ دو انگلیوں کے درمیان, کہا ایسے دیکھو, دیکھا تو منظر نظر آیا. جب میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کو معتصم باللہ نے روب میں, اپنے دانش میں روب میں لانے کے لیے ایک پریڈ کروائی فوجیوں کی, اور امام موسیٰ کاظم کے سامنے, امام حسن عسکری کے سامنے فوجیوں کی ایک دستہ گزروایا, اور پھر ایک دستہ, پھر ایک دستہ, اور ایک بڑا لشکر. تو کہنے لگا میرے پاس اتنا بڑا لشکر ہے, امام عسکری سے کہنے لگا میرے پاس اتنا بڑا لشکر ہے. امام نے فرمایا ذرا فضا میں دیکھو,
जब उसने ऐसे निगाहों का उठा के देखी तो अनगिनत फरिश्तों का लश्कर। हजरत फरमाया तुम्हारे पास ये लश्कर है, मेरे पास ये लश्कर है, तभी अस्करी कहा जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आलम। एक और बुलंद सलवात मौला के साथ। ऐसे और आइम्मा अहले बैत की जिंदगियों में भी मिसालें मौजूद हैं कि उन्होंने एक मरतबा कहा यहां देखो, तो उन्होंने देखा तो कुछ और नजर आने लगा, कहीं दो उंगलियों के दरमियान देखो, जब देखने लगे तो कुछ और नजर आने लगा। आज हम कह रहे हैं कि भाई ये तो हम भी देख रहे हैं दुनिया का, इधर से उधर पूरी दुनिया हम अपने हाथ में देख रहे हैं। तो अब बात समझ में आ रही है कि वो जो चीज उस वक्त में मौजजा था वो, क्योंकि जमाने के इमाम है ना, वो तो इमाम इमाम जमाने के है ना, तो जमाने के आगे चलेंगे ना। तुम्हें आने में अगर 200 साल लग गए तो तुम्हारा कसूर है ना। वो तो पूरी दुनिया पूरे जमाने को अपने हाथ में लिए हुए। तो मैं बहस बहुत तवील होने का खौफ हो रहा है, कल गुफ्तगू इसी से वाबस्ता रहेगी कि पहला उनवान कलाम अल्लाह का है, दूसरा उनवान ये कलाम नबी पर अल्लाह का मौजजा है जो नबी पर नबूवत के दलील के तौर पर नाजिल हुआ, और तीसरा उनवान इसकी हिफाजत का इंतजाम अल्लाह ने अपने हाथ में लिया है। अब हिफाजत कैसे वो करता है, कल मुझे इजाजत दें, मैंने एक जुमला कहा कोई चीज वो बगैर वसाइल और वसायत के नहीं करता, वो जरियों को अपनाता है, वो तरीकों को अपनाता है। उसके जो तरीके हैं, उसके जो जरिए हैं, वो क्या है, कैसे वो इसकी हिफाजत करता है। हर एक आदमी हर एक चीज की हिफाजत भी नहीं कर सकता जी। मुमलिकत की हिफाजत जाहिर है ऐसे सलाहियतों को बढ़ाना पड़ता है, फिर जब अगर मुश्किलात हो जाएं बॉर्डरों पर और सरहदों पर मसाइल हों तो फिर और ज्यादा तवानाइयों को बढ़ाना पड़ता है। ऐसे ही है कुरान, जो नबी के दुश्मन है ना वो इतना ही कुरान का भी दुश्मन है। मैंने आज नश्तर पार की मजलिस में भी अपील की है और यहां भी गुजारिश कर रहा हूं कि इस साल की जनाबे इरफान मेहदी साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर बाहर किसी बॉक्स में खूबसूरत सा कुरान मजलिस के दौरान सजा के रख दिया जाए तो एक खामोश एहतजाज भी होगा और मुसलमानों की तरफ से मुहिब्बान अहले बैत की तरफ से कुरान की ताजीम का एक ऐलान भी होगा। और यही अमल अगर हमारे मरकजी जुलूसों में कर लिया जाए कि एक किसी सवारी के ऊपर कोई शीशे के बॉक्स में खूबसूरत सा कुरान खोल कर रखा जाए और वो अलमों के साथ कुरान की भी ज्यारत लोग कर रहे हों तो सिर्फ स्वीडन के हुकूमत को नहीं बल्कि हर और हुस्न इतफाक है कि इस साल के अशरे का उनवान भी मेरा कुरान और अहले बैत हैं। हमें कुरान की ताजीम और कुरान के एहतराम के हवाले से अपनी कोशिशों को बढ़ाना होगा। सलवात पढ़ ले माशाल्लाह। बाज नारे मानूस नहीं है ना दोस्तों के लिए, जैसे अभी किसी ने लगाया था वो भी नहीं समझ पाए हमारे भाई, तो थोड़ा सा पहले आप बताया करें कि इसका जवाब क्या है ताकि ये जवाब दे सकें। जी जी कराची है ना, और फिर बलंतर सलवात एक और बुलंद सलवात पढ़े, माफ कीजिएगा, और उसको पढ़ना उसको समझना हम सबकी जिम्मेदारी। और कुरान अहले बैत के बगैर समझ में नहीं आएगा, ये खुलासा है आज की मजलिस का। बात अगरचे और बेहतर करने की जरूरत है। कुरान के मुहाफिजों ने करबला सजाई है, ये करबला 2 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक का क़याम, यह इमाम हुसैन का इमाम है। लइबना था कि बनी हाशिम ने एक नया नज़रिया और एक नया दीन पेश किया है, ना कोई कुरान है, ना कोई वही है, ना कोई फरिश्ता है, ये इन्हीं का कलाम है जो इन्होंने अल्लाह का कह के पेश कर दिया है।
ये यजीद का नारा और यजीद के जुमले थे। लिहाजा इसका तोड़ और इसका जवाब अहले बैत ने अपनी कुर्बानी के जरिए दिया और इमाम हुसैन ने इसे अपनी कुर्बानी से साबित किया, खास तौर पे जब इमाम का सर कट के नेजे की अनी पे चढ़ा तो कटे हुए सर से कुरान की तिलावत की आवाज आती। इमाम हुसैन के कटे हुए सर से कभी अगर पहले से मैं ज़हनी तौर पे इस मौजू को आमादा करूं तो इमाम हुसैन के सर ने कहां कहां मौजजा दिखाया है, कहां कहां सरे हुसैन बोला है। उनमें से एक मौरिद यह है कि इमाम हुसैन का सर उस वक्त कुरान की तिलावत कर रहा था जब जनाब ज़ैनब के गिर्द हलका बढ़ रहा था। जी, लोगों ने आवाजें दी थी कि यह बागी की बहन है। सख्त जुमले हैं मगर सुन लीजिए, ये हुसैन इब्ने अली की बहन है, ये अली की बेटी है। जनाब ज़ैनब बीबियों के गिर जब तमाशाइयों का हलका बढ़ने लगा ना, तो उस वक्त इमाम हुसैन का सर कुरान की तिलावत कर रहा था। इब्ने रबी नामी एक मुसाफिर है जो शाम में एक सराय मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ था। वो कहता है मैं सो रहा था कि शादियाने बजने की आवाजें आई, ढोल ताशे बजने की आवाजें आई, रक्स और तरब की आवाजें आने लगी। तो कहता है मैं बेदार हो गया उन आवाजों पर और मैंने बराबर में वाले हुजरे में ठहरे हुए एक मुसाफिर से पूछा, भाई मुसलमानों की ईद का दिन है, आज मुसलमानों की कोई ईद तो नहीं है, फिर ये मुसलमान जश्न क्यों मना रहे हैं। तो उस मुसाफिर ने कहा कि करबला में एक बागी को मारा है। अज़रुकमल अल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद हो रही हैं। करबला में एक बागी को मारा है और उसके मरने पर, उसके हारने पर और हाकिम के जीतने पर जश्न मनाया जा रहा है। कहता है मंजर यह था कि कटे हुए सर हैं जो नेजों की अनियों पर हैं और कुछ खवातीन हैं जो बाहया खवातीन हैं जिनका वजूद पुकार पुकार के बता रहा है कि ये साहिबाने इफ्फत हैं, ये साहिबाने इस्मत हैं, उन्हें असीर बनाया हुआ है और उनके ही दरमियान कुछ छोटे बच्चे भी हैं जिनके बाजुओं में रस्सी बांधी हुई है और उन सबसे आगे एक जंजीरों में जकड़ा हुआ असीर है जो आगे आगे चल रहा है। ये इब्ने रबी कहता है कि मुझे बस यही समझ में आया कि मैं आगे जाऊं और इस असीर से पूछूं कि तुम कौन हो। तो कहता है कि मैं करीब गया, अज़रुकमल अल्लाह, वो कहता है कि मैं करीब गया तो उनकी गर्दन झुकी हुई थी। मैंने उनसे कहा तुमने करबला में क्या किया था जो तुम्हें ऐसे मारकर असीर बनाकर ले आए, तो शाम के रहने वाले नहीं हो। वो कहता है मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये मेरे नाम से मुझे कैसे जानते हैं, ये कौन है जो मेरा घर पता भी जानते हैं और मेरा नाम लेकर मुझसे बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप कौन हैं। तो एक मरतबा वो गोया हुए, तुम इतना बताओ कि तुमने कुरान पढ़ा है। कहने लगा मैं कुरान पढ़ने वालों में से हूं, कुरान का मानने वालों में से हूं। तो उन्होंने कुरान की ये आयत पढ़ी कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला लमीबिन से कह दो कि मुझे रिसालत की उजरत नहीं चाहिए मगर यह कि मेरे कुर्बा से मोहब्बत का इजहार करो। तो इब्न रबी कहता है मैंने कहा हाँ मैंने आयत पढ़ी है मगर आपका क्या मतलब है, क्या ये कुर्बा कौन है। कहने लगा कुर्बा नबी का घराना है, ये अली की औलाद है, नबी की बेटी का घराना है, ये कुर्बा है जिनसे मोहब्बत का इजहार का हुक्म है। फिर उन्होंने कहा अच्छा तुमने ये आयत पढ़ी है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। वो कहता है मैंने उनसे कहा ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, ये तो अहले बैत की शान में आयत है। तो उन्होंने कहा फिर ये बताओ तुम अहले बैत को पहचानते हो। कहा मैं अहले बैत को पहचानता, अहले बैत का इस वक्त फर्द कौन है। कहा हुसैन इब्ने अली। रोने वालों गुर्बत में मुसीबत में अगर कोई जानने वाला मिल जाए तो
करता है कि इससे लिपट के रोए। जैसे ही उसने कहा ना कि हुसैन इब्ने अली, और सुन मैं ज़ैनुल आबिदीन हूं और मुझसे न पूछना कि ये बीबियां कौन है, इनमें नबी जादियां हैं, अली की बच्चियां हैं, ये हुसैन की बहनों का काफिला है। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। या अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमा, रोने वालों के तौफीकात में इजाफा फरमा। या हुसैन या हुसैन।